हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कंपैरिजन वीडियो शेयर कर रही हूँ एले गर्ल एंड इनसाइड कंसीलर का। फर्स्ट हम देखेंगे इनसाइड के कंसीलर का। मैंने ये कंसीलर नाइका से मंगवाया है। ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसके बैक साइड में ये भी लिखा है कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। बैक साइड में ही आपको इसमें शेड चार्ट मिल जाता है, 1 to 8 इसकी शेड नंबर और शेड का नाम मिल जाता है आपको। ये लिखा है कि ये वाटरप्रूफ है, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीज नहीं करता, फुल कवरेज देता है। ये सब कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग में लिखा हुआ है। मेरा इसमें शेड है 04 गोल्डन सैंड। आई थॉट कि ये येलो स्किन टोन वालों के लिए होगा, बट नहीं, ये पीच कलर का है ये कंसीलर। ये ब्राउन कलर, जैसे आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है वैसा कंसीलर है ये। ये आपको फिर भी कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा इसका शेड, बट इन एक्चुअल में ये येलो टोन का नहीं है। और इस कंसीलर की बात करूं तो ये कवरेज बिल्कुल भी नहीं देता, ना ही आपके ब्लिमिशेस को हाइड करता है, ना ही डार्क स्पॉट्स को हाइड करता है, ना ही डार्क सर्कल्स को हाइड करता है। लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, वाटरप्रूफ भी नहीं है। कंसीलर हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारे डार्क स्पॉट्स को या फिर डार्क सर्कल्स को हाइड करे, बट ये कंसीलर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप बिगनर हैं या फिर आपके फेस में कोई भी दाग नहीं है, आप कोई कंसीलर ट्राई करना चाहते हैं तो ये अफोर्डेबल रेंज में है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट ये आपको कवरेज नहीं देगा। जैसे आप अपने फेस में कोई क्रीम यूज करते हैं वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, वैसा ही ये कंसीलर अब्जॉर्ब हो जाता है। ये लगता ही नहीं है कि आपने कोई कंसीलर यूज भी किया है। मेरे हिसाब से ये कंसीलर लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बिकॉज ये आपको कोई कवरेज नहीं देता। ये 2-3% भी ये कवर नहीं करता आपके डार्क स्पॉट्स को। जो सेकंड कंसीलर है वो है एले गर्ल कंसीलर। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। मैंने शेड कोई और मंगवाई थी, बट इन्होंने मुझे येलो करेक्टर सेंड कर दिया। इसकी कवरेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी। या आप डार्क सर्कल्स पे यूज़ करो तो आपके डार्क सर्कल्स को पूरा हाइड कर देता है अच्छी तरह से। लॉन्ग लास्टिंग भी है कंसीलर, फॉर ऑल स्किन टाइप का है। बट जो इनसाइड का कंसीलर है वो मेरे हिसाब से ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी नहीं सूट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है। मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताऊं तो जो एले गर्ल का कंसीलर है वो आपको कवरेज अच्छी देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट को हाइड करता है, और वो वर्थ भी है आपको कंसीलर। बट जो सेकंड इनसाइड का कंसीलर है वो मेरे हिसाब से लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बिकॉज वो ऑयली स्किन वालों को सूट नहीं करेगा। इवन ड्राई स्किन वालों को अगर सूट करेगा भी तो उनको कवरेज नहीं देगा। इनसाइड के कंसीलर की कवरेज बिल्कुल नहीं है, आपके डार्क स्पॉट को हाइड नहीं करता, डार्क सर्कल्स को हाइड नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के कंपैरिजन में एले गर्ल का ज़्यादा अच्छा है। इनसाइड का कंसीलर तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर ही लगते हैं, बट नहीं, एले गर्ल कंसीलर आपको फुल कवरेज देता है, इनसाइड का कंसीलर आपको कवरेज नहीं देता है। अगर मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं तो मेरे हिसाब से जो एले गर्ल का कंसीलर है वो 10 out of 10 है, बट जो इनसाइड का कंसीलर है वो 10 out of मैं 1 marks दूंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है कंसीलर। अगर आपको इन दोनों कंसीलर के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।